गोल देखो असि नत मोड़ याद रखिए गेम खेले ले घबरा गया आपका फेंक दिया बालू मार दो फट फट मुंह बालू हम गए बारिश हो रहा है तो रूम पे पूरा पैस फीलिंग और कभी भी खेल दिए वाह भाई इतना मैं मत कुल ओसो से कह लगा ना भाई ओसो ओसो हो जाए वैसे ओसो ले गड़ा गया था देखिए मैंने बाइनस बैठे उत्तर प्रदेश चल लगा अब आराम से जाता हूँ एक पॉइंट से लीड थे ये बॉल के टाई करवा दिया थैंक यू भैया घमंड नहीं चलिए भैया बहुत बढ़िया ना ऐसा मिलेगा खोया वाला कम ले जिया तो मंगवाएंगे अरे मारी ये बहुत मारा मारा रेगिस्तान में छोड़ देंगे आप लोग नहीं मारते अभी अच्छी हमारे दोस्त का मारता है मुनक फाड़ देता अमन लेना अंकल भी आइए ना ये वाला चेयर पे ये वाला पे उधर जाएगा खुर्ची घे ना तू खुर्ची घे ना शंकर दादा सात नंबर का शंकर बाबू आप भी जाइए मार ला चल रहा है खाली ग्राउंड एकदम मतलब एकदम रैपिड मार रहे हां दे ना एवर तुम पास करते ना आदम होत नाही लागत पाय जातच नाही तरी आत मध्ये खड्डे नाही ग्राउंड मैंने हे ओली झाली ना वाळू म्हणून बघ पाय जात नाही आत अरे खड्डेच नाही पडत आहेत अरे वो बोल देगा वो और आप लोग देख सकते हैं भारी बारिश के बीच बीच कबड्डी का मज़ा एक अलग ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे 11th बीच कबड्डी नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप चलता हुआ प्रतियोगिता ये राजस्थान बनाम यूपी जो कि पूरी तरह डोमिनेट करते हुए यहाँ पे यूपी की टीम
काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करती हुई यूपी की टीम। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम यहां पे जीत पक्की कर पाती है इस मुकाबले में। और यहां पे काफ़ी शानदार डीप जाकर के हैंड टच लगाने का प्रयास था, पर उतना ही शानदार कॉर्नर का प्रयास उन्होंने डाइव लगाया और रेडर को वहीं पे धराशाही किया। और फिर से एक बार जय भगवान, क्या जय भगवान जो हरियाणा के खिलाफ किए थे, एक रेड में 4 पॉइंट लिए थे, क्या उसी तरह फिर से एक बार मल्टी पॉइंट रेड करके टीम को वापसी करवा पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। और बने रहिए आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल अपना फ्यूचर कबड्डी पे, लगातार हम लोग आपको बीच कबड्डी का पूरा नेशनल कवरेज करके दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हैंड टच का प्रयास और टच को माना भी है यहाँ पे प्लेयर ने। और जी बिल्कुल, यहाँ पे जय भगवान ने काफ़ी शानदार हैंड टच लगाया, रनिंग हैंड टच कॉर्नर के इनके खिलाड़ी को किया, यहाँ पे रनिंग हैंड टच इनके खिलाड़ी को किया और काफ़ी शानदार यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखाया। फिलहाल देखना होगा क्या 3 नंबर जर्सी पॉइंट ले पाते हैं या नहीं, क्योंकि बीच कबड्डी में हर एक रेड डू और डाई होती है। फिलहाल यहाँ पे डाइव लगाई है, क्या मल्टी पॉइंट रेड आई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मल्टी पॉइंट रेड 2 पॉइंट की रेड लगाई है उत्तर प्रदेश के 3 नंबर जर्सी ने, जो पिछले रेड में हैंड टच खाया था वो भरपाई की है। और थोड़े से उनके कैप्टन नाखुश भी थे जरूर भले ही, लेकिन इस 2 पॉइंट से जरूर खुश होंगे उनके कैप्टन। और फिर से जय भगवान रेड पर लगाने आए हैं, देखना दिलचस्प होगा क्या जय भगवान स्कोर पर कर पाते हैं या नहीं। और फिर से यहाँ पे उसी खिलाड़ी को हैंड टच लगाने का प्रयास था। और यहाँ पे अंतिम 10 सेकंड, देखना होगा क्या रेडर सेफ है या आउट। और जी बिल्कुल, यहाँ पे रेडर आउट दिया गया और यहाँ पे टाइम आउट कॉल किया है राजस्थान की टीम ने। और काफ़ी शानदार यहाँ पे डबल थाई होल्ड विजेंद्र चौधरी का और सफल भी रहे भानु कुमार सिंह को यहाँ पे टैकल किया विजेंद्र चौधरी ने। और फिर से जर्सी नंबर 3 रेडर राजस्थान की ओर से राइट साइड से रेड लगाते हैं, लंबे कटकाठी के रेडर है। देखना दिलचस्प होगा क्या हैंड टच लगाएंगे। और काफ़ी शानदार यहाँ पे मैंक लेफ्ट कॉर्नर का ब्लॉक गया था। स्कोर की बात करूं तो 15-21 का स्कोर, हाफ टाइम स्कोर 15-21, यहां पे 6 अंकों से लीड करता हुआ यूपी की टीम। वहीं राजस्थान की टीम सेमीफाइनल की तरह 6 अंकों से पिछड़ती हुई, क्या अब जय भगवान का वो 4 पॉइंटर रेड फिर से आएगा जिस वजह से फाइनल में जगह पक्की की है, देखना दिलचस्प होगा क्या जय भगवान फिर से इस हाफ टाइम के बाद 6 पॉइंटर रेड लगा पाते हैं या यूपी की टीम जय भगवान को रोक पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। और मैं दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्कोर में कन्फ्यूजन हो गई है, एक बार फिर से मैं आपको स्कोर कंफर्म करके बताता हूँ यहाँ पे। और मैं स्कोर की बात करूँ तो 21 राजस्थान, वही 15 अंक यूपी की टीम, यहाँ पे 6 अंकों से लीड करती हुई राजस्थान की टीम। माफ़ी चाहूँगा, मैं वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण स्कोर इधर उधर हो गया था, यहाँ पे 6 अंकों से लीड करती हुई राजस्थान की टीम। तो क्या उत्तर प्रदेश की टीम वापसी कर पाती है इस मुकाबले में?
Come on.
ठीक ठीक है